हेलो, तो आज मैं खेल रहा हूँ ग्रे निंजा के साथ और ये मैच बहुत तगड़ा है। मेरा वन ऑफ द बेस्ट मैच था ये अब तक का। इसमें मैं यूज़ करता हूँ बिल्ड में, इसमें पूरा अटैकर बिल्ड होता है, ये पूरा अटैकर बिल्ड था। और बिल्ड की बात करें तो मैं यूज़ कर रहा था अटैक रेट, स्कोप लेंसेज और फोकस बैंड। और एम्बलम्स की बात करें तो एम्बलम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये मैच बहुत तगड़ा था, मतलब वन ऑफ द बेस्ट। तो पहले तो मैं स्टैक करने चले जाता हूँ क्योंकि इसमें मैं अटैक रेट यूज़ कर रहा था, तो उसमें स्टैक लगता है, तो मैं स्टैक कर रहा था। यहाँ पर मैं वापस जाता था, बट मेरे को लुकार दिखता था, मैं उसके साथ फिर चले जाता हूँ उनको मारने के लिए। पर यहाँ पर देखना, मैं कोई पता नहीं ये बनी कैसे मिल जाता है अचानक से, मतलब मेरे को पता नहीं चला कैसे मिल गया वो मेरे को। तो मैं फिर एक बार और स्टैक करता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं मतलब देखना पता नहीं क्या हुआ, मेरे को लगा मैंने बैरी दे दिया, लेकिन नहीं, मेरे को बैरी मिला ही नहीं। फिर मैं नीचे बॉटम ले आता हूँ, मेरे को यहाँ ज़रूर रहता है, देखना इसको कैसे पहनते हैं। मतलब इजी किल, कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं। यहाँ पर मैं दोबारा 9 का गोल करने जाता हूँ, मैं दोबारा स्टैप पे जाता है, यहाँ पर एल्डेब्रस आते रहता है। पर इसको देखना, मतलब भाई क्या बचा है वो। और यहाँ पर अल्टारिया लेने की कोशिश करता, लेकिन मेरे को मिलता नहीं, तो मैं वापस आता हूँ बेस पे और इनको मारने की कोशिश करता हूँ। और लकड़ी इनको में एक किल निकल भी जाता है मेरा स्पेयर। और यहाँ पे तीसरा स्टैक, और उसके बाद यहाँ पे केयरस्टिक 2, मतलब देख रहे हो खतरनाक। पता नहीं मैं यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा था, मेरे को खुद नहीं पता। फिर इधर दोबारा से बॉटम में पे आते हैं, यहाँ पर तीन तीन पोकेमोन दिखते हैं, तो मतलब हम दो और सामने तीन, देखना कैसे मारते हैं लोगों को। ये पहला किल, ये दूसरा मचान के साथ, और ये तीसरा, मतलब खतरनाक। फिर से क्यों स्ट्रिक 2, उसके मेरे बहुत स्किल होते हैं, मतलब 23 किल्स होते हैं मेरे उस पर। और अब तक शायद मेरे स्टैक भी पूरे हो गए थे, मैं काउंट नहीं किया, मैं ध्यान नहीं दिया था उस पर। और यहाँ पर अल्टारे ले लेते हैं, और हमारे नीचे यहाँ पे रेजी स्टील आ रखा होता है, तो उसको मारने के लिए जाते हैं, तो रेजी स्टील ले लेते हैं। रेजी स्टील मुझे अकेले लेना पड़ता है क्योंकि मेरे को ये पंछी, क्या नाम है इसका, टैलेंट फ्लेम छोड़े चले जाता है, और ऊपर रेजी लेके लेते रहते हैं, तो हमको जाना पड़ता है तुरंत ऊपर। हमारी आधी टीम ऑलरेडी ऊपर थी, और मेरे आने तक केस लोग राजी लकी ले लेते हैं, और मेरे यहाँ पर खतरनाक वाला मर्डर होता है, देखना। मतलब मैं क्यों गया बीच में वहाँ पर। फिर मैं दोबारा ऊपर आता हूँ, और इस बार मेरे को लेना था बदला, तो देखना कैसे पीटते हैं इनको। तो यहाँ पर इजली क्यूस्टिक 3 निकल जाती है, और मैं यहाँ पर 38 का गोल कर देता हूँ। और यहाँ पर ये सिल्वियन 20 का गोल रखती है, तो वो भी 20 का कर देती है। उनका एक पॉइंट बचता है, जिसको मतलब 5-6 पॉइंट बचता है, लेकिन एक पॉइंट मैं आखिर में छोड़ देता हूँ, ताकि कोई अच्छा लेवल जो लेके आए पॉइंट वो गोल कर दे। फिर यहाँ पर ये दोनों महीने और आते हैं, और इनको भी हम लोगों ने धर दिया, देखना। यहाँ पर इनको गोल एडवांटेज मिला था, तो सबसे पहले मैं गोली रिस्टोर कर लेता हूँ, उसके बाद इनको मारते हैं। और इजीली भाई क्या डैमेज देख रहे हो, मतलब फिर से क्यों स्टिक 2। यहाँ पे जैसे मैं गोल डालता हूँ वैसे ही जेरो आ जाता है, और अपनी अल्टी ऐसे मारता है ना, मेरा एचपी इतनी गंदी कम होती है ना, देखना और मैं तुरंत मर जाता हूँ। ऊपर पे एल्डेगरो साथ रहता है, मैंने देख लिया था उसको,
उसके बाद उसने भी अल्टी चलाई पर उसका मिस हुआ और देखना ये पीटेगा। मतलब इजीली केओस स्ट्रिक टू और डैमेज देख रहे हो तुम लोग क्या डैमेज हो रही है। और यहाँ पर ज़रूरत रेजी लेके लेते रहता है ना बेचारा वन शॉट हो जाता है और रेजी लेके भी इजीली मिल जाती है। मतलब डैमेज भाई क्या डैमेज इसमें। फिर यहाँ पर मैं कुछ अपनी हरकतें करता हूँ उसके बाद वहाँ पर ईजिली रेजी लेके पुश जाता है और मैं 50 पॉइंट डाल देता हूँ। गोल डालने के बाद मैं नीचे जाता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ ज़रूरा लिख रहा हूँ जिसमें उसको कैसे पीटते हैं। भाई ज़रूरा इतनी ख़तरनाक तरीके से मारा ना इस पूरे मैच में उसे। मतलब हर बार बेचारा आता है और पिट जाता है। और अब देखना अभी जो मैंने हगा है ना मतलब वो लाल ला देखना मतलब बीच में कूद गया उनके। फिर यहाँ पे मैं सेंटर से नीचे आता रहता हूँ यहाँ पे गार्ड जब अपनी अल्टी यूज़ करते रहता है और भाई क्या मिस करता है बेचारा और क्या मारते हैं उसको फिर इन लोगों ने। मैं तो छोड़ देता हूँ और मेरे को यहाँ पर ये यह दिखता है और ये बहुत अनोइंग लगता है मेरे को पता नहीं कि बहुत अनोइंग लगता है। फिर मैं इसको भी छोड़ देता हूँ क्योंकि मेरे एच पी ऑलरेडी कम थे। मैं भागने की कोशिश करता हूँ मारने की भी कोशिश करता हूँ और मार भी देता हूँ मतलब अब वो भागेगा मेरे से ये देखना। और यहाँ पे गार्ड जंप फिर मिलता है एंड गार्ड जंप को मैं फिर मार देता हूँ इजीली विन के यो स्ट्रिक टू। और यहाँ पे हम लोग ने फिर मचा मिलता है एंड के यो स्ट्रिक थ्री। और यहाँ पे रिक्वाजा इजीली हमको मिल जाता है क्योंकि उनका टीम कोई था नहीं। फिर मैं सीधा नीचे चले जाता हूँ 50 का स्कोर करने और पहले मैं सिंड्रेस को करने देता ताकि हम एक 130 का गोल करें दिमाग थोड़ा सा। उसके बाद हम लोग फिर ये कुछ हरकतें करते हैं नीचे पॉइंट लेने की। इन हरकतों के बाद मैं वापस जाता रहता हूँ मेरे को कौन दिखता है गार्ड चौक तो इस पर भी हाथ साफ कर लिया जाए। अल्टी यूज़ करने की कोशिश करता बट मैं नहीं करता क्योंकि ये शुरिकन से ही मर जाता है। उसके बाद मैं अपने बेस पर जाते रहता हूँ बॉटम से तो मेरे को एल्डे क्रॉस दिखता है और वो क्या कर रहा था हमारे फार्म चुरा के हमारा ही गोल करने वाला था तो फिर उसको भी पड़ती है अच्छे से। भाई ऐसे मार रहा हूँ ना इनको ऐसे मार रहा हूँ ना मतलब इतनी डैमेज इतना देख रहा हूँ ना। फिर से स्ट्रिक टू ये फिर एंड टाइम में कोई दोनों मुने फिर मिलते हैं और मैं फिर से स्ट्रिक बना लेता हूँ दो की। हमारा स्कोर था 581 का मेरा स्कोर था 265 का 23 किल्स 2 असिस्ट और 124,000 का डैमेज। भाई साहब क्या मैच था ये मतलब गुड।